मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे पास में यहाँ पर हमें मैच करना है, ए बी सी डी फोर है और उधर हमें देखना है। तो फर्स्ट दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस गैस बोलते हैं। क्यों इसको हम सिंथेसिस गैस बोलते हैं, ये जो वाटर गैस होती है ये कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में यूज होती है, एज लाइक इथेनॉल CH3OH बनाने के लिए, तो इसको हम सिंथेसिस गैस बोलते हैं। तो ए हमारा चला जाएगा थर्ड, तो ए का हो गया हमारा थर्ड, सिंथेसिस गैस हो गई। सेकेंड, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। वी नो वेरी वेल, हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वाटर में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, सोल्यूबल बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट सारे सोल्यूबल होते हैं, तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स की वजह से जो आता है, पर किसके बाइकार्बोनेट है वो वाटर के अंदर हार्डनेस डेवलप कर सकते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस अराइज होती है। और इस टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के लिए, बिकॉज बाइकार्बोनेट हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट में बदल जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, तो हम इसे बॉइल करके भी इसके हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से आई, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो सेकंड का हमारा बन जाएगा CO प्लस H2, तो हमने कौन सा बोल दिया, सिंगैस बोल दिया या सिंथेसिस गैस हो गया, सिंथेसिस गैस। सेकंड हमारे पास में जो बन रहा है टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस का जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी प्रेजेंस में होती है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है। डाइबोरीन, डाइबोरीन के अंदर अगर हम B2H6 की बात करें तो B2H6 है उसमें बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट है, तो ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है, तो हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड की बात कर लेंगे। एंड डी हमारे पास में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की अगर अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो H2O2 जो होता है वो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये कैसी स्ट्रक्चर हो गई मेरे पास में, नॉन प्लेनर। यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं ऑक्सीजन का, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3। तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। तो ए का ऑप्शन हो गया हमारा थर्ड, बी हमारे पास में आ गया वन, सी हमारे पास में आ गया सेकेंड और डी आ गया हमारा फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और जब हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तब हमें यहाँ पर थोड़ा सा हार्डनेस के बारे में बताना होगा, हार्ड वाटर क्या है और हार्डनेस किस वजह से यहाँ पर डेवलप होती है। हार्डनेस में अगर बाइकार्बोनेट्स है तो टेम्परेरी हार्डनेस है, और अगर क्लोराइड्स या सल्फेट्स है तो वो परमानेंट हार्डनेस होगी। ओके टीचर्स।